हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जिसने पेन ड्राइव ली थी। और ये बच्चा शरद है, इसने जयपुर का स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में अभी है। और इसने पेन ड्राइव लेने के बाद, जैसा मैंने सभी बच्चों को बोला है कि वन वीक के लिए अगर वो उनको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, प्रॉब्लम किस तरह की होती है वो बताना चाहूँगा। क्योंकि जब हम घर पर पढ़ते हैं ऑनलाइन तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि 2 आवर्स या 3 आवर पढ़ लिया तो काफ़ी होता है, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को ये मैंने बोला है कि अगर आप या तो उतनी पढ़ाई करें, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 आवर वीडियो सेशन देखना, और उसके ऊपर कम से कम आपकी 6 to 7 आवर प्रैक्टिस होना चाहिए जो बच्चे करते हैं। और फाइनल ईयर वालों को एटलीस्ट 3 to 4 आवर कम से कम सेल्फ स्टडी और 2 आवर का वीडियो सेशन, यानी 6 आवर की प्रिपरेशन करें तो ही फायदा होगा। तो शरद, आप ये शरद बच्चा ये यहाँ इसलिए आया एक वीक में कि ये देखना चाहता था कि एकेडमी में किस तरह से पढ़ाई होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने रियल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करो। आप यहाँ आए, आपको किस तरह से आपको आते यहाँ पर रुकने के लिए प्रॉब्लम भी नहीं हुई और पढ़ाई कैसी हुई, और अब आप वापस जा रहे हो, आज अपनी फिर से अपनी फाइनल ईयर की प्रिपरेशन पूरी करोगे, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वो बच्चों को साथ में चाहूँगा कि आप शेयर करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन पढ़ाई भी की थी मैंने 1 हफ्ता। तो मेरे को शरद सर ने फ़ोन करके बुलाया कि एक बार यहाँ आइए और एक्सपीरियंस एक बार देखिए कि कैसा आपको लगता है ऑनलाइन और इसके क्लासरूम कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पर आके 1 वीक के लिए मैं यहाँ पर आया था, और मैंने यहाँ पर देखा कि जिस हिसाब से घर पे पढ़ाई होती है और यहाँ पर इन्वायरमेंट जो बनता है पढ़ाई का, उसमें बहुत डिफरेंस है। और फिर मैंने 1 वीक पढ़ाई की, 1 वीक में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं और रुकना चाहता हूँ 15-20 दिन ताकि थोड़ा और कवर अप कर लूँ। तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और यहाँ पर पढ़ाई भी हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप बाहर हो तो पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एज़ कंपेरिजन टू होम। और यहाँ पर रह के मैंने टेस्ट भी दिए, मेरा रिजल्ट पहले कम रैंक मेरी कम आई थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने 3-4 टेस्ट दिए थे जिससे रैंक मेरी बूस्टअप हुई धीरे धीरे। और इसलिए अब मेरे को फाइनल ईयर प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं डेफिनेटली यहीं पर रहता पूरे 1 ईयर 1 साल के लिए। तो अब ऑनलाइन पढ़ाई करनी है जाके, जैसा कि सर ने मुझे गाइड किया है कि कैसे पढ़ना है, और उस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूँगा। साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए वापस आता रहूँगा। और उसके साथ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ पर आके नहीं पढ़ सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्स परस्यू कीजिए, वरना यहाँ पर आके आप डेफिनेटली एकदम ही अलग हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं है रहने की प्रॉब्लम, यहाँ पर हॉस्टल आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेस्ट यहाँ डे टू डे होते, हर संडे टेस्ट होते रहते हैं, तो फिर उसके वजह से आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलता रहेगा कि कैसे आपको और इम्प्रूव करना है। तो बस मैं थैंक यू बोलूँगा सर को कि सर ने थोड़ा टाइम दिया मुझको। थैंक यू शरद। और मैं एक बात आप सभी को करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन आप लोग बहुत तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाले बच्चे, आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों के एक्सपीरियंस का पर्पज़ मेरा एक है कि आप आ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं आ सकते तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको हर वीक का शेड्यूल, टेस्ट पेपर, सारी चीज़ बताता चलता हूँ। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे सकते हैं उतना दीजिए। केवल वीडियो को देखना नहीं है, उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप जाओगे तो अब आपको एक समझ में आ गया, क्योंकि जैसे वीडियो से मैं हर बच्चे को बोलता हूँ 2 आवर पढ़ना, जैसे यहाँ 2 आवर की क्लास, फिर उसके बाद दिन भर प्रैक्टिस करनी है, इसी पैटर्न को फॉलो करना। और आप सबको भी मैं बोलूँगा, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को, कि आप भी बस ध्यान रखिए, क्योंकि फाइनल ईयर के साथ सेकेंड ईयर के साथ पॉसिबल नहीं होता सभी का आना। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दीजिए, बहुत ही प्रॉपरली वीडियो को वॉच करिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं, और हर एक शीट को अच्छे से सॉल्व करिए, यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अब जब भी लगे आप वापस आ सकते हो, बट जो आपने यहाँ एक्सपीरियंस लिया है इसका फायदा जब भी जब आप उसको उस ढंग से फॉलो करो। तो अब आप हर टॉपिक को जो आपको पता है शेड्यूल क्या चल रहा है वैसे ही पढ़ें, क्योंकि अब आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो ऑनलाइन मिलेंगे, उनको बहुत अच्छे से दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।